ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो वर्यतां नमो सिद्धां नमो वैज्ञानं नमो वज्रनं नमो वैश्वसां मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल्य मंगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं तीन भुवन वेसा वीतरागवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग सम्मान। गुरु का स्वरूप कल अपन ने पढ़ा था, मैं आपको नोट्स और दे दूंगा, उसमें और विस्तार से गुरु का स्वरूप है। और फिर भी आपको मैं, आपके पास में अभी ग्रंथ है ना मोक्षार प्रकाशक, इसके अंदर छठा अधिकार निकालिया। मिला छठा अध्याय, छठा अध्याय में कुदेव कुगुरु और कुधर्म पे निरूपण है, पेज नंबर 168। All that is false perceptor, पेज नंबर आपको आएगा 175 पे तो है कुगुरु का निरूपण, 175 पे देखो आप, मिला कुगुरु के श्रद्धान अधिक का निषेध करते हैं, इन सब बातें पूरी। जो जीव विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, मिला आपको, क्या करते हैं विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं, विषय और कषाय माने विषय कषाय मतलब पांच इंद्री के विषय भोग, और कषाय माने क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमित होते हैं और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं। कोई अंग धारण करके माने समस्त नहीं, कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं, माने जो बड़े धर्मात्मा की योग्य क्रिया होती है नमस्कार आदि वो कराते हैं। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना, क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना ही होगे, मतलब जितने धर्म को धारण करे उतना ही अपना पद मानना ही होगे, निचली क्रिया करे और अपने को ऊंचे पद पर मानकर ऊंचे पद की योग्य क्रिया कराए तो उसको कुगुरु कहा। ऊंचे पद पर होने पर ऊंची क्रिया कराए वो कुगुरु नहीं, लेकिन होवे निचले पद में कोई धर्म का कोई अंग पालता हो, कोई क्रिया करता हो, बाकी सब सामान्य पुरुषों जैसे ही है, तो कोई एक धर्म का अंग धारण करके धर्मात्मा कहलाए। जैसे कोई एक समझ लो किसी ने मौन रख लिया 15 दिन, या उपवास कर लिए, या ब्रह्मचर्य पाल लिया, तो एक एक अंग हुआ ना, बाकी सब क्रिया वैसी ही है। माने पूरा पैसा कमा रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, बाकी सब चल रहा है, लेकिन कोई एक अंग धारण किया, और एक अंग धारण किया धर्म धारण किया तो अच्छा किया, लेकिन अपने को क्रिया तो छोटी कर रहा, अपने को अपने लिए ऊंचे पदवी के योग की जो है नमस्कार आदि कराता है, माने निचली पद के योग की जो भी धर्म क्रिया करे उसका निषेध नहीं है, लेकिन
धर्म तो करें जरा सा और क्रेडिट चाहे इतने का तो उसका निषेध है। समझ में? जैसे अभी अब अपने कोई पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है तो उसका इतना ही उपकार है कि भाई वो अपने को धर्म पढ़ा रहा है, इन्हें गुरु तो नहीं हो सकता ना। और यदि वो अपने अपने को गुरु जैसा सम्मान चाहे तो वो अपने लिए कुगुरु है। समझ में ना बात? कोई भी एक अंग धर्म का धारण करके और अपने लिए ऊंचे पर योग्य क्रिया करवाए, सम्मान करवाए, अपने को नमस्कार करवाए तो वो कह रहे हैं वो कुगुरु है। तो इसमें अलग अलग तरह के कुलगुरुओं का निषेध है। सबसे पहले तो कुलादि अपेक्षा, वहां कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं, ये तो अपने आप में सब ये चीजें है नहीं। वैसे ब्राह्मण होता ना, कुछ ब्राह्मण आदि तो कहते हैं हमारा कुल ही ऊंचा है इसलिए हम सबके गुरु है, बस खत्म, हम ब्राह्मण है इसलिए गुरु है कि तुमने कौन सा बड़ा काम किया उसके लिए है? मतलब तुमने कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हो या ऐसा कौन सा काम किया जिससे हम तुमको महान माने, बड़े माने, कि उससे कोई मतलब नहीं। जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वो सब क्या है? गुरु, चाहे वो कुछ भी खाए पिए। तो कहते ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने? यदि कुल में उत्पन्न होने से उच्च बना रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, सो वो बनता नहीं है। भारत ग्रंथ में अनेक ब्राह्मण कहे हैं, वहां जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कहना, ऐसा कहा है। यदि कुल ही से उच्च बना हो तो ऐसी हीन संज्ञा इसलिए दी इनके इसमें। तथा वैष्णव शास्त्रों में ऐसा भी कहते हैं, वेद व्यास आदि मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं। कैसे उत्पन्न हुए? मछली से। वहां कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा? उनको कौन से कुल का माने? मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हो तुम, तो तुम कहते हो सब एक ही ब्रह्मा से हुए, सबका कुल एक है, भिन्न कुल कैसे रहा? तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष से और नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पुरुष से संगम होने से संतति होती देखी जाती है, तो वहां कुल का प्रमाण किस प्रकार रहा? अब क्या माने उसको? यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो उच्च नीच कुल के विभाग किस लिए मानते हो? सो लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है, इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है। धर्म साधन ही से महंतपना होता है। ब्राह्मण आदि कुलों में महंतता है तो धर्म प्रवृत्ति से है, धर्म प्रवृत्ति को छोड़कर हिंसा आदि पाप में प्रवर्तने से महंतपना किस प्रकार रहेगा? माने कोई कुल कुल की अपेक्षा कोई बड़ा नहीं होता, सीधी सी बात है। कोई जाति अच्छी बड़ी नहीं होती है, कोई कुल बड़ा नहीं होता है। जो भी उच्चता होती है वो सब कैसे होती है? धर्म साधन से। कोई भी कुल हो आपका, चाहे आपकी कोई भी जाति हो, ये जो अपन ने भेद बंटवारे कर रखे ना अपने जैन में भी, ये पता नहीं ये कौन सा वाल और ये कौन सा वाल, ये खंडेल वाल ने, पोल वाल ने, बघेल वाल ने, ये परवाल ने, गोलापुरे ने, गोला भवाले ने, भगवान ने क्या क्या, और सब अपने आप को महान मानते सब। खंडेलवाल तो ऐसा समझते बिल्कुल हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, और परिवार ऐसा मानते हैं कि सब जो भी धर्म है वो हम ही जानते हैं, बाकी तो ऐसा हीन कुलित। सबकी अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहां तो कहते हैं कोई कुल से किसी बड़े पन का कोई संबंध नहीं है। आप बघेलवाल हो कि पोड़वाल हो कि खंडेलवाल हो कि उनसे वाल हो, ये सब वाल लगा रखी अपन ने आपस में एक दूसरे को अलग करने के लिए। ये सब वॉल को तोड़ना जरूरी है क्या? सब वॉल को तोड़ेंगे तो एक में खोएंगे, और ये वॉल और ये वॉल और ये वॉल, वॉल मतलब समझे ना दीवारें, आपस में अलग अलग करने के लिए ये सब दीवारें करने की, सब उसके नेता ही बने हुए अपने अपने समाज के। अरे भैया जैन धर्म है ना, बहुत है भाई, कौन किसका क्या मतलब क्या है ना क्या नहीं है, क्या जो भी है। बात तो इतनी कि कुल से कोई बड़ा नहीं होता। आप किसी भी कुल में उत्पन्न हुए हो, आप यदि धर्म साधन करते हो तो आप बड़े हो, धर्म साधन नहीं करते हो तो आप छोटे हो। और गुरु के अंदर तो कुल से कोई लेना देना ही नहीं है कि वो किस कुल का। अपने यहां तो जितने बड़े बड़े काम किए वो जैन कुल में उत्पन्न होने वालों ने किए ही, कई अजैन लोग हुए। न्याय की मतलब जैन धर्म की प्रतिष्ठा, मतलब जैन धर्म का डंका जिन्होंने बजाया, विद्यानंद जी आचार्य हुए आज से लगभग 1200 साल पहले, ब्राह्मण थे,
विद्यानंद जी स्वामी हुए है? और भी कितने पीछे के पीछे बनारसी दास जी हुए, ऐसे बहुत सारे हुए। अरे देखो, क्षत्रिय, शूद्र, वेश और ब्राह्मण, ये जो व्यवस्था है ये आजीविका के हिसाब से, और आजकल जो व्यवस्था है वो धर्म की व्यवस्था है। ये व्यवस्था आजीविका की है, और कोई भी आजीविका करो, धर्म सब जैन पाल सकते हैं। ये तो अपने काल के हिसाब से बंटवारे किए गए। जो दूसरों की रक्षा करें क्षत्रिय, जो आज लिखाई पढ़ाई से अपनी आजीविका करें वेश, बल्कि व्यापार आदि से आजीविका करें, व्यापार करें, खेती करें, खेती भी उसी में आती वेश के काम में, व्यापार करें और सेवा करें, ये सब वेश है। और शूद्र है जो दूसरों की हीन कार्य करके अपनी आजीविका करें, और ब्राह्मण होते हैं जिनका मुख्य काम होता है पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, शिक्षा देना देना करना। ये चारों आजीविका है, चारों के अलग अलग, तो वो आजीविका के हिसाब से ये वर्ण बने। इनका धर्म से कोई संबंध ही था? धर्म पालन की स्वतंत्रता तो चारों की है, चारों ही पालते थे धर्म। धीरे धीरे ब्राह्मणों में, ब्राह्मण जो मूल में थे वो तो जैन भरत चक्रवर्ती ने बनाए थे, पहले मूल में तीन ही थे, आदिनाथ भगवान ने तीन ही वर्ण स्थापित थे, क्षत्रिय, वेश और शूद्र, ब्राह्मण वर्ण नहीं था। फिर भरत चक्रवर्ती को ये विचार आया कि मेरे पास इतना पैसा हो गया है, छह खंड का राजा बन जाऊं और कुछ दान धर्म करना चाहिए। स्वाभाविक विचार आता था, पैसा आने के बाद क्या है और किसको देवे? मुनिराज तो आर दान लेते हैं, तो उनको देने में तो कुछ धन खर्च ही नहीं होगा, और गृहस्थों को देवे, अब गृहस्थों को देवे तो मांगने वालों की भीड़ लग जाएगी, तो परीक्षा करके देवे कौन गृहस्थ योग्य और कौन योग्य नहीं। तो उसने क्या किया, परीक्षा करने के लिए अपने महल में सबको बुलाया, तो महल के आसपास चारों तरफ जो थी वो घास लगा रखी थी उसमें, तो जो व्रती थे वो घास के ऊपर चल के नहीं आए, वहीं खड़े रहे, तो बाकी लोग आ गए। तो उसने किसी व्यक्ति को भेजा, तुम थोड़ा जबरदस्ती करो इनके ऊपर, कि राजा की आज्ञा है तुमको अंदर आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजा की आज्ञा है, तो उन्होंने एक ही बात कही कि भाई हम अपने व्रतों का उल्लंघन नहीं कर सकते, हमने आदिनाथ भगवान के साक्षी में व्रत लिए हैं कि हिंसा नहीं करना, और यहाँ हम घास पे चलेंगे तो हिंसा होगी, नहीं चलेंगे घास, लौटने लगे। तो फिर जो है भरत चक्रवर्ती स्वयं एक जो रास्ता था दूसरा, उससे उसने उनको बुलवाया और उन लोगों का उसने सम्मान किया और उनको एक चिन्ह दिया और उनको राजा राज्य व्यवस्था के अंदर कहा कि इनके ऊपर कोई कोई दंड व्यवस्था नहीं लगेगी, इनको विशेष दर्जा दिया जाएगा, और उनका अच्छा धन सम्मान धन बनाने से अच्छा उनका सम्मान किया, उनका नाम रखा उसने ब्राह्मण। और वो जो है जो व्रती थे उन व्रतियों का ही एक अलग से वर्ण स्थापित किया, इनकी राज्य में बिल्कुल इनको एकदम एलूफ रहेंगे, मतलब इनको राज्य में विशेष दर्जा दिया जाए। ये क्या हुआ कि भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आया, जिस दिन उसने ये ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की उसी रात्रि को स्वप्न आया, स्वप्न अच्छा नहीं आया, तो वो फिर आदिनाथ भगवान के समर्षण में गया, जो पूछा कि ये स्वप्न आया इसका क्या फल है। उन्होंने कहा ऐसा है कि जो तुमने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की है ये आज तो ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन ये आगे चल के ये जिन धर्म के द्वेषी हो जाएंगे, ये पानी में बूंद की तरह, पानी में तेल की तरह ऐसे फैलेंगे कि इनको मतलब इनका फैलना कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात कि आज तो ये जिन धर्म के पालने वाले हैं
लेकिन कालांतर में जिन धर्म के द्वेषी हो जाएंगे, ये जिन धर्मानुयायी नहीं रहेंगे, सम्मान पाकर, राजा की तरफ से सम्मान पाकर और कुमार्ग में प्रवृत्ति करेंगे, भय भी नहीं लेगा। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा कोई बात नहीं, मैं इनको अभी समाप्त कर देता हूँ, इनका हटा देता हूँ जो विशेष दर्जा दिया। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं बिगड़ेगी व्यवस्था, ये पंचम काल में होगा ये सब, अभी चौथे काल तक तो सब ठीक है जो भी है, अब तो कर ही दिया स्थापित, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, तो जो है सो है। तब से वो ये ब्राह्मण वर्ण चला। बाकी ये इसका जो है मतलब ये मूल में जैन धर्म के पालक थे सब, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में सब व्यवस्था बदल गई। तो ये अपने को गुरु मानते चौथे काल का अंत आ गया था, उसका पंचम काल प्रारंभ हो गया था लगभग, जरा सा टाइम बचा था वो। तथा कोई कहते हैं कि हमारे बड़े भक्त हुए, सिद्ध हुए, धर्मात्मा हुए, हम उनकी संतति में इसलिए हम गुरु हैं, परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं। यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से बड़े उत्तम मानते हो, तो उत्तम पुरुषों की संतति में जो उत्तम कार्य न करे उसे उत्तम किस लिए मानते हो? क्यों, उन बड़ों के बड़े तो उत्तम थे नहीं, उनको तो बड़ा नहीं मानते हो, और बड़ों के छोटे यदि उत्तम कार्य नहीं करेंगे तो उनको भी उत्तम नहीं मानेंगे। जो इसने उत्तम किया उसने किया, मेरे नाना जी ने दीक्षा ले ली तो उससे तुम्हारा क्या करें, ली तो ली, अच्छा किया, तुम्हारा क्या करें, ये तो बताओ तुम कैसे मानोगे उससे। हाँ वो गलत है ना, कोई तो कह रहे हैं कि हमारे बड़े भक्त हुए, बड़े बहुत सिद्ध हुए, धर्मात्मा हुए, और हम उनकी संतति में इसलिए हम भी गुरु है। तो कह रहे उन बड़ों के बड़ों तो ऐसे उत्तम थे नहीं, जो बड़े हुए उत्तम उससे भी बड़े वाले उत्तम तो थे नहीं, उनको तो नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि उन्होंने उत्तम कार्य नहीं किया था। तो उनकी संतति में तुम भी हो गए हो, लेकिन यदि उत्तम कार्य नहीं करोगे तो तुमको उत्तम कैसे मानेंगे? और यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो, तो तुम यदि उत्तम पुरुष की संतति में उत्तम कार्य करोगे तो बड़े, उत्तम कार्य नहीं करोगे तो बड़े नहीं हो। बात सीधी सी है, कोई भी संतति से बड़ा नहीं होता। मेरे पिताजी ने क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिताजी मोक्ष भी जा सकते हैं और मैं नरक भी जा सकता हूं, क्या ऐसे हैं वो सारे शास्त्र उदाहरण भरे पड़े। पिताजी नरक चले गए, पुत्र मोक्ष चले गए, भाई नरक और भाई मोक्ष, पिताजी स्वर्ग बेटा नरक, है कि नहीं ऐसे? रावण के पुत्र कहां गए? मोक्ष, और रावण खुद रामचंद्र जी, लक्ष्मण, श्री कृष्ण, बलभद्र स्वर्ग, उनके पिताजी, अरे उनके उनके स्वयं के चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर होकर मोक्ष गए, वो नहीं गए। इससे क्या मतलब है भैया? मेरे ये, मेरे ये, मेरे ये होंगे तेरे ये जो भी है, तू अपना परिचय अपने स्वयं के गुणों से देना। मेरे पिताजी है ना, मेरे काका जी है ना, मेरे वो है ना, फलाना ढिकाना, सब बंद कर दे सर। शास्त्रों में वो लोक में प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है, और पुत्र अशुभ कार्य करके नीच पद को प्राप्त करता है। पिता अशुभ कार्य करके नीच पद को प्राप्त करता है, पुत्र शुभ कार्य करके उच्च पद को प्राप्त करता है। इसलिए बड़ों की अपेक्षा महंत मानना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुल द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या भावना है। तथा कितने पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं, पूर्व काल में कोई महान पुरुष हुआ हो उसकी गादी पर जो शिष्य प्रतिशिष्य होते आए हो उनमें उस महापुरुष जैसे गुण न होने पर भी गुरुपना मानते हैं। यदि ऐसा ही है, मिला कि नहीं मिला आप लोग किताब में से पढ़ रहे हैं, यदि ऐसा ही है तो उस गादी में कोई परिस्त्री गमन आदि महापाप करेगा वह भी धर्मात्मा होगा, सुगति को प्राप्त होगा, परंतु यह संभव नहीं है। गादी से क्या मतलब? गादी जो इस पर बैठे हो वो धर्मात्मा, तो गादी धर्मात्मा धर्म पैदा कर रही है, तो फिर गादी हुई ना जो कुछ हुई, तो व्यक्ति क्या हुआ? ये कोई एलिजाबेथ फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है यहां पे कि महावीर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कोई राज्य पद नहीं है, ये मोक्ष पद है। या स्वयं भगवान के भी पुत्र यदि भगवान जैसा काम ना करे तो मोक्ष नहीं आते, फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या लेना देना?
लेकिन बस हम उनके उसमें हुए, हम उनके उससे महान हैं। अरे तुम किसके शिष्य हो इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे बड़े कौन है उससे मतलब नहीं, तुम स्वयं क्या कर रहे हो बताओ उससे मतलब है क्या। इधर नेता होता है ना, नेता मेरे साथ मैं इसका आदमी हूँ, मैं कैलाश जी का आदमी, अब तो कुछ भी कर। तो यहाँ भी यही है क्या कि मैं उनका फलाने जी का शिष्य हूँ तो मेरे को सब करने की छूट, किसने दी तेरे को छूट। भगवान जितेंद्र तो कहते हैं कि जो जीव करता है वो स्वयं अपने पाप पुण्य का फल भोगता है, कोई किसी के शिष्य हो चाहे न हो उससे कोई प्रयोजन नहीं है, हम किसके शिष्य इससे मतलब नहीं, हम स्वयं क्या कर रहे हैं मतलब तो उससे है। शिष्य लेके तुम क्या चाहते हो, अपनी मनमर्जी चाहते हो, हम उनके शिष्य, और उनको भी नहीं पता हो तुम क्या कर रहे हो, उनका नाम लेके अपना काम कर रहे हो क्या। जिस किसी बड़े का नाम होता है, जैसे बिहार के अंदर किसने मुझे बताया था कि हर आदमी बोलता था मैं लालू का आदमी, जो करना होता था उसको करता था, जितने दादागिरदा जो जिसको अपनी करनी हो क्या, दादागिरी करनी हो, गुंडागिरी करनी हो, बस मैं उसका आदमी हूँ। है तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उसके नाम पे जिसको जो करना हो करे, ऐसे ही वो कहेंगे हम भी धर्म के नाम पे हम किसी बड़े के शिष्य हैं बस, अब हमें मतलब बड़े के शिष्य हो गए मतलब हमको सब करने की छूट, हम उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो बताया वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको मान भी रहे कि नहीं रहे कि उनके नाम का उपयोग कर रहे हैं। तो बड़ा पुरुष है तो उसको तो पता नहीं लगता कि मेरे भक्त लोग क्या कर रहे हैं, और वो उनके नाम का उपयोग करके दुरुपयोग करके और अपनी मनमर्जी चला दे, मैं उनका आदमी मैंने सब सब खून माफ। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, यदि उसमें महत्पुरुष जैसे गुण ना हो तो वो गुरुपना नहीं है उसमें, क्योंकि ऐसा हो तो उस गादी में कोई भी कुछ भी काम करे, अपनी कोई गादी नहीं होती इसकी, न गादी होती है न कुछ होता है, अपने तो हर एक व्यक्ति अपनी स्वयं की योग्यता रखता है, गादी से कोई लेना देना नहीं। गादी होती थी भट्टार को, उन्हें आज की कोई गादी नहीं होती, और उतने ही उनकी इतनी था कि वो व्यवस्था संभालते थे, बाकी मुनिराज की कोई गादी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता वो सब। और गादी भी हो मतलब वो परंपरा में भी हो, लेकिन उसमें जितने गुण होंगे उतने ही वो महान के लाएगा। और देखो आगे क्या है, क्या है इसमें, और वो पापी है तो गादी का अधिकार कहां रहा, जो गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु है। तथा कितने पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके गृहस्थ हुए, उनकी संतति अपने को गुरु मानती है, परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरु बना किस प्रकार रहा, अन्य गृहस्थों के समान ये भी हुए, इतना विशेष हुआ कि ये भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए, इन्हें मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने। तथा कितने अन्य तो सब पाप कार्य करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते, सब बिजनेस करेंगे बुरा, पैसा जोड़ेंगे, ब्याज पे लगाएंगे, शेयर का बिजनेस करेंगे, प्रॉपर्टी के सब काम पूरे, जितने एक सामान्य गृहस्थ नहीं कर रहा उससे ज्यादा बिजनेस क्या। तो वो कह रहे हैं कि और तो सब काम करे और एक स्त्री से विवाह नहीं करे, और किसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं, परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा भी पाप है, परिग्रह भी पाप है, इनकम टैक्स की चोरी भी पाप है, टैक्स चुका नहीं है फिर ही फोकट का पैसा है सब, धर्म के क्षेत्र में भी टैक्स तो लगते ही, और कहीं जो कहीं हो तो टीडीएस पहले कट जाएगा, लेकिन यहां तो कोई टीडीएस की बात ही नहीं है, यहां क्या है टीडीएस। जिन जिनेन्द्र भगवान ने और जिस जैन धर्म में इतनी सादगी का धर्म है, अब उस सादगी के धर्म की शिक्षा के लिए भी विलासिता दिखने को मिल जाए तो अपन कहेंगे कि सादगी कहां है क्या, मतलब प्रवचन प्रवचन की भी कीमत लग जाए कि साहब एक प्रवचन की इतना चार्ज तो लगेगा, इससे कम की बात नहीं, उसमें नेगोशिएशन होने लग जाए, 10 दिन की नेगोशिएशन, वो कह इतना लो कहने इतना इतना तो लगेगा, तो धर्म का अंग कहां रहा उसमें। अरे वो मांगे नहीं और ये जबरदस्ती करके दे रहे, और ये तो मांगता है
उससे कहते इतना क्यों मत ले भैया तो उल्टी उल्टी गंगा बह रही है सारी की सारी। तो जैसे इनके होते हैं ना बापूजी और ये सारे, तो वो एक एक कथा के क्या वो कथा करने आते हैं, तो वो कथा आएंगे तो चार्टर प्लेन से आएंगे, रहेंगे एसी में रहेंगे, और कम से कम उनका मिनिमम चार्ज होता है जितना भी लाखों करोड़ों का कितना आपको मालूम है, तो थोड़ा बहुत तो असर अपने को अपने आप ही देखने को मिलता है, उसका कुछ अंश है आज इतना है, जब जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा तो अपन भी उनके जैसे उतनी तरक्की पे कर लेंगे पहुंच जाएंगे। अरे इसमें क्या काम है बता, जिन रामचंद्र जी की सादगी का वर्णन करना हो, आदिनाथ भगवान की भूमि दीक्षा का उनका वर्णन करना हो, और उसमें यदि विलासिता की आवश्यकता पड़ जाए, मतलब उसके अंदर भी यदि उसे वर्णन करने वाले को विलासिता की जरूरत पड़ जाए तो उसका वर्णन कैसे होगा। और धर्म के अंदर धन मांग के कोई करे इसको आजीविका का साधन बनाए तो इसमें गुरुपना कैसे। तो आगे के नोट्स एक सेकंड, नोट्स वाले तो ज्यादा आ गए, अपने नोट्स कम कराए कितने कराए, इसके ना पावर चलाएंगे इसमें और बेक होगा कल तो है कि ये जैसे ग्रहित अग्रहित मिथ्या तो अपन ने पहले पढ़ाया था एक बार, ध्यान है लोगों को, तब जिन जिन लोगों को नोट्स दिए थे वो लोग मत लेना, हाँ यदि नोट्स घुमा दिए हो तो बात लगे, बाकी जिन लोगों को नोट्स नहीं मिले तो नोट्स ले लेना, इसके नोट्स ले लो अभी इसमें से पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको काम आ जाएंगे बाद, अभी तो क्या चलो जिनवाणी यही सीख उसके बाद नोट्स ले लो। कहां थे अपन, तो ये एक काम नहीं करते कि स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं, और ये अपने नहीं खास तो अन्य मतों की तरफ से बात की उन्होंने, जैसे एक विवाह नहीं किया बाकी सब काम करे तो भी वो अपने को गुरु मानते हैं, तो कहते हैं कि भैया उन्हें करते हुए धर्म एक पाप एक ही तो है नहीं, पाप तो पांचों ही है तो एक नहीं किए चार तो है, और उन्हें उन चार पाप को करते हुए हम धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने। तथा वह धर्म बुद्धि से विवादिक का त्यागी नहीं हुआ है, परंतु किसी आजीविका व लज्जा आदि प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। एक सेकंड, आ रही आ रही आ रही, अच्छे से आ रहा, आ रहा अच्छे से आ रहा, नहीं नहीं बैटरी नहीं है एक्चुअली, ये नहीं लगाया, मैं और कुछ देख रहा था, अब आ गया, बैटरी खत्म हो गई थी उसकी फोन, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखो, तथा कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरु बना मानते, परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिग्रह आदि भी पाप है, उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने। तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह अधिक का त्यागी नहीं हुआ है, परंतु किसी आजीविका व लज्जा आदि प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसा अधिक किस लिए बढ़ाता। अच्छा दूसरी बात, जिसने विवाह का त्याग किया है उसको परिग्रह की आवश्यकता क्या है, विवाह करने वालों को परिग्रह की बहुत आवश्यकता नहीं होती। तो विवाह अधिक का जिसने त्याग किया, जिसकी स्त्री नहीं है और जिसकी भोजन पानी की व्यवस्था स्वयं हो सामाजिक समाज कर रहा हो, उसको अब धन रखने की क्या आवश्यकता, धन की आवश्यकता तो गृहस्थों का, इनको रखने दो इनके बाल बच्चों का पोषण करना है, इनको बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है सब काम करना है, मंदिर बनवाना है सब काम करना है ना, लेकिन तुम्हारे तो कोई काम ही नहीं है। फिर दूसरी बात, हिंसा झूठ चोरी परिग्रह, तो कहते हैं ये काहे के लिए करते, यदि तुम एक पाप छोड़ा है तो ये चार भी पाप है तो इनको क्यों करता। तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती और विवाह आदि नहीं विवाह नहीं करता
तब परिस्त्री गमन आदि महापाप उत्पन्न करता है। ऐसी क्रिया होने पर गुरु बना मानना महाभ्रष्ट बुद्धि है। तथा कितने किसी प्रकार का भेष धारण करने से गुरु बना मानते हैं, परंतु भेष धारण करने से कौन सा धर्म हुआ जिससे धर्मात्मा गुरु माने? कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई सफेद वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहनते हैं, कोई मृगशाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं। परंतु यदि शीत उष्णाधिक नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं छूटी थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्र आदि का त्याग किस लिए किया? यदि तुम्हारी मतलब तुम्हारे को लज्जा नहीं छूटी थी, ठंडी गर्मी सहन नहीं होती थी, तो तुमने पगड़ी वगैरह छोड़ के और दूसरा धारण कर लिया, राख लगा लो, ठंडी नहीं लगे तो राख लगा लो और कुछ कम पहन लिया, पहना तो है ही ना, लज्जा नहीं छूटी तो शरीर से समझ लो जो पहनता था धोती वगैरह उसका त्याग किया, और मृग की छाला ओढ़ ली, मृग की छाला ओढ़ ली, लेकिन तूने अपने तन को तो ढाका ही है ना, और ठंडी गर्मी का तो कुछ ना कुछ उपाय किया ही है, तो किया कौन सा ऐसा काम जिससे कि हम तेरे को गुरु माने? ये तर्क होगा, ये सब होता ही नहीं। अपन कभी वहां जाना आप लोग इसमें कुंभ में, सब दिख सिंहस्थ में सब चीजें दिख जाएगी सर, और अपने लोग जा जाके सब इनके गए कि नहीं गए, लिस्ट रहती है ना, यहाँ गए कि नहीं गए, मुड़ों को कहाँ जा रहे। अरे यदि गृहस्थ अब क्यों किया ऐसा सब, उन्होंने देखो उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनाने में धर्म का कौन सा अंग हुआ? गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसे भेष जानना, गृहस्थों को ठगने के लिए। क्यों? यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएंगे? यदि जैसे आप पहनते हो वैसे कपड़े हम पहने तो आप मूर्ख कैसे बनाओगे? थोड़ा तो अलग पहनना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे स्वांग बनाते हैं। भोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परंतु यह भ्रम है, स्वांग में धर्म नहीं है। यही कहा है जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादिक को ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं, वेश्या धन लेती है तो बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता, मेरा धन ले लिया इसने, मेरे से पैसे ले लिए, कितनी प्रसन्न है मेरे ऊपर। उसी प्रकार मिथ्या भेष द्वारा ठगे हुए जीव नष्ट होते हुए धर्म धन को नहीं जानते। इन मिथ्या भेष वाले जीवों की शुश्रूषा आदि से अपना धर्म धन नष्ट होता है, उसका तो विषाद नहीं करते और मिथ्या बुद्धि से हर्ष करते। कौन सा धन नष्ट हो रहा है यहाँ पे? धर्म रूपी, माने अपना धर्म रूपी धन नष्ट होते हुए भी ये नहीं जान रहे कि धर्म रूपी धन नष्ट हो रहा है, बल्कि और अपने आप को हर्षित और अपने आप को महान मतलब अपने आप को मान रहे कि धर्म कर रहे हैं और धर्म बुद्धि से हर्षित हो रहे हैं। वहां कोई तो मिथ्या शास्त्रों में जो वेश निरूपित किए उनको धारण करते हैं, परंतु उन शास्त्रों के कर्ता पापियों में सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी, वह अन्य बहुत जीव इस मार्ग में लग जाएंगे। इस अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया। सरल बात बताओ, हर आदमी कहेगा बहुत बढ़िया, अभी ये कहें अपन कि हर अष्टमी चौदस को रात को नहीं खाना चाहिए, सबको अच्छी लगती बात सुन, हाँ ये अच्छी बात है, कम से कम अष्टमी चौदस नहीं खाना चाहिए। हर चीज को आप उसका लेवल कम कर दो तो लोग अच्छी लगेगी, मैंने कठिन की जगह सुगम करेंगे तो सुगम करने में किसको अच्छा नहीं लगेगा। अभी अपन ये कहें कि मंदिर के अंदर यही प्रसाद खा लेना चाहिए, पेड़ा बाहर क्यों खाते हैं, यही खा, पेड़ा तो बटनी चाहिए, भावना भावना कुछ तो होनी चाहिए ना, पेड़ा बटे, खाना पीना होवे, नृत्य गान होवे, छप्पन भोग लगे, तो किसको अच्छा, सबको अच्छा। ऐसे जो मुनिपत के योग की जो क्रिया है उसको जो है उसका लेवल नीचे कर दिया कि भाई ये भी करे चलेगा, चलेगा सब चलेगा, बस एक आध थोड़ा बहुत भी करना ठीक है। तो अब वो ऐसा ऐसा मार्ग किसको पसंद नहीं आएगा? हर व्यक्ति को पसंद आएगा। गुरु के गुरु के अलग है, वो थोड़ा बहुत कर लिया जितना बन गया अपने यहाँ, तो जबकि ये कि 28 मूल गुण होंगे तो वो गुरु है। विषय आशय का त्याग किया, विषय आशाओं का त्याग किया हो, आरंभ परिग्रह का त्याग है और ज्ञान ध्यान तप में लीन है तो वो गुरु है। और वो तो जो है पारे सारे संसार में जितने भी मत है उनके कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं, आप कुछ भी कर लो। मैं कल से यदि लाल कपड़े पहन के चले जाऊंगा तो मेरी पूजा चालू हो जाए, कोई क्राइटेरिया का नाम का कोई नाम नहीं कि भाई तुम्हारे में क्या योग्यता है, क्या नहीं है, क्या नहीं, बस मजमा जमाना आना चाहिए, अच्छा लगो।
वो कला नहीं रहेगी तो किसी का नहीं। तो वो कहते हैं भोला जगत है, तो भोला जगत ये विचार नहीं करता कि ये सरल क्रिया करने में धर्म बता रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई आदमी आपको अच्छी ऊंची चीज सस्ते में बेचे तो थोड़ी बहुत अक्कल वाला आदमी होगा, सोचेगा कि नहीं सोचेगा हैं, हापुस 50 रुपए किलो में बिक रहे थे, हापुस नहीं नकली है। इतनी अकल तो महिलाओं को भी होती है छोटी मोटी भी, असली हो ही नहीं सकते, असली तो ही नहीं भाव बिकते। यदि ये सस्ते में बेच लिया है तो फिर दगा, हम महंगे में बेचे तो जरूर कोई बात नहीं। तो ऐसे ही यदि हल्की क्रिया करके भी और उसको धर्म निरूपित कर रहा है, मतलब हीन क्रिया में भी यदि वो गुरु पद प्ररूपित कर रहा है तो जरूर यहां कोई दगा है। क्या मतलब अन्य लोग कहते हैं अरे जैन धर्म बहुत कठिन, अपने सबके सरल है, तो भाई तुम ये सोचो ना कि ये सरल है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। धर्म तो वही उत्कृष्ट हो सकता है जहां उच्च क्रिया प्ररूपित की गई हो, जहां हिंसा का लेश नहीं, विषय कषाय का लेश नहीं, परिग्रह का लेश नहीं। धर्म तो सत्यार्थ, धर्म तो सबसे सर्वोत्कृष्ट होता है। और तुम कह रहे हो कि अरे वो बहुत ऊंचा है, ऊंचा है तो ऊंची है तो बहुत अच्छी दुकान है ऊंचा है तो। तो अब वो कहते हैं कि भैया अन्य, अब वो क्या होता है लेकिन भोले जीव समझते नहीं। भोले जीव तो उनको सरल क्रिया बताओ और उसमें धर्मात्मा का सर्टिफिकेट दे दो तो सबको चाहिए अच्छा खासा। लोग जूस भी पीते रहे और अपन सर्टिफिकेट बांटते रहे, सब उपवास करने वाले हैं तो सबको अच्छा लगेगा, सबका जुलूस निकाल दो कल से सब पहले जितने भी आए वो उनको मजा नहीं आएगा। भले उपवास करे चाहे नहीं करे लेकिन यदि उपवास का सर्टिफिकेट मिलता हो तो हर आदमी को अच्छा लगेगा। तो ये संसार का नियम है, संसार को छोटी क्रिया में यदि उच्च पद मिलता हो तो सहज लेने को राजी आतुर हो जाए। हर आदमी के अंतरंग थोड़ी बहुत तो मांस कषाय पड़ी हुई है। तो कह रहे हैं कि उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी, लोग हमको मानेंगे और अन्य बहुत जीव इस मार्ग में लग जाएंगे। इस अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परंपरा से विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पद होना बतलाते हैं सो यहां कुछ दगा है, भ्रम से उनकी कहे हुए मार्ग प्रवृत्त कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहां कह रहे हैं वस्त्र रहित गुरु है और यहां कह रहे हैं वस्त्र सहित गुरु है, तो हीन किसमें हीन क्रिया कौन सी उच्च क्रिया, कभी मतलब कौन सा जो है ऊंची क्रिया है, कौन सा काम ऊंचा है और कौन सा नीचा, परिग्रह नहीं रखना ऊंचा है कि परिग्रह रखना ऊंचा है, नहीं रखना ऊंचा काम कठिन काम, तो वो कठिन हुआ तो वो कठिन काम हुआ तो वो धर्म होगा कि सरल काम में धर्म होगा। तथा कोई शास्त्र में तो कठिन मार्ग निरूपित किया है वह तो सदेगा नहीं, अब वो अपने सत्ता नहीं और अपना ऊंचा नाम धराए बिना लोग मानेंगे नहीं। तो इस अभिप्राय से नाम रखते हैं यति मुनि आचार्य उपाध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं और इनके आचारों को साध नहीं सकते इसलिए इच्छानुसार नाना वेश बनाते हैं। तथा कितनी अपनी इच्छानुसार ही नवीन नाम धारण करते हैं और इच्छानुसार ही वेश बनाते हैं, इस प्रकार अनेक वेश धारण करने से गुरुपना मानते हैं सो यह मिथ्या है। यहां कोई पूछे कि वेश तो बहुत प्रकार से दिखते हैं, उनमें सच्चे झूठे वेश की पहचान किस प्रकार होगी, तो उसका समाधान जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं है वे वेश सच्चे, बस खत्म बात। क्राइटेरिया दे दिया, क्राइटेरिया कसने की कसौटी कि जिस वेश में कषाय का पोषण का और 5 इंद्रिय के विषय भोग का किंचित भी लगाव नहीं दिखे वो वेश सच्चा है। और वो सच्चे वेश 3 प्रकार के जो अपन ने कल बताए थे और अन्य उसके अलावा जितने भी वेश है वो सब मिथ्या है। कौन कौन से 3 वेश है? एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग कुछ परिग्रह नहीं, अंतरंग भाग एकदम नग्न दिगंबर। दूसरा उत्कृष्ट शावकों का रूप फुल्लक और एलक वाला 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी शावक का लिंग। और तीसरा आलिकाओं का रूप, ये स्त्रियों का लिंग, मैंने एक शावक का लिंग, एक मुनिराज का लिंग और एक स्त्री का लिंग, तीनों का। स्त्री का लिंग मैंने स्त्री का चिन्ह कौन सा है जो पूजने योग्य है, आलिका वाला। शावकों में
चुल्ला के लग और मुनिराज में नग्न दिगंबर मुनिराज, ये तीन लिंग पूजनी है। इन तीन लिंग के अतिरिक्त अन्य लिंग को जो मानता है वह श्रद्धा नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, चाहे जिसको ढोक लगाता हो मिथ्या दृष्टि पक्के में, क्योंकि इसके पहले लिखा यह तीन लिंग तो श्रद्धानपूर्वक है और चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है, ये तीन लिंग है बस। कल अपन ने पढ़ा ना छड़ाला में भी, कल अपन ने छड़ाला पढ़ा रहा है ना, पढ़ा धारे कुलिंग लही महत भाव, कुलिंग माने इन तीन लिंग को छोड़कर अन्य सब क्या है, कुलिंग है, कोई सा वेश बनाए चाहे बाल मुंडा ले, क्या चाहे चोटी रख ले, चाहे धोती यूं कर ले, कुछ भी कर ले, जो भी करने को होते हैं बहुत सारे उनके नाना प्रकार के, चाहे कोई सूट पैंट पहन के आ जाए, पादरी हो तो सूट पैंट पहन के आ जाए, पादरी की ड्रेस रख ले ऐसे एकदम सफेद सफेद या यूं जो भी है उसका। तथा इन वेशियों में कितने ही वेशी अपनी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं, थोड़ा बहुत पालते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं पाले तो आदमी बिल्कुल भी नहीं माने। जिस प्रकार छोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, यदि कुछ भी अंश नहीं रखे तो बिल्कुल भी नहीं चले। किसी आदमी को नकली माल बेचना हो तो असली भी रखना पड़ता है, यदि बिल्कुल भी असली नहीं रखेगा ना तो वो ठग नहीं पाएगा। हीरे बेचना है नकली तो आठ असली रखेगा, दो नकली मिलाएगा तो वो दो नकली चल जाएंगे। ऐसे ही ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहा हो, ये करता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये करता जितना ये जो कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में बहुत कुछ गलत भी कर रहा है, तो तुम वो उतने की झलक देख के ठगा मत जाना। कोई किंचित कोई अंग धर्म का पाले तो तुम कहो ये तो बहुत बढ़िया है ना, यही तो ही नहीं, हमें तो सर्वांगीण चाहिए, हमें हम जिनको पूजेंगे, जिसको हम दान आदि देंगे, आहार दान देंगे, औषध दान देंगे, जिनसे हम धर्म सीखेंगे, उसमें तो धर्म की सर्वांगीणता होनी चाहिए ना, नहीं तो हम उससे सीखेंगे क्या, वो स्वयं ही धर्म मार्ग में नहीं होगा तो अन्य को धर्म मार्ग में कैसे लगाएगा, वो तो आदर्श है। इसलिए कहते हैं कि खोटा चलाने वाला कुछ तो चांदी का अंश रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर, कोई एकाध अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न किया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सबका तर्क है ये। यहाँ कोई कहे जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा ना, चलो दो उसने हीरे नकली दो नकली रखे, आठ तो असली है ना, तो आठ असली है तो असली का तो उत्तर का तो कीमत मिलेगी, वो तो सही है उत्तर, तो जितना धर्म साधन किया उतना ही सही उत्तर, तो उसका तो धर्म पुण्य फल लगेगा ना, तो उसका उत्तर। जिस प्रकार उपवास का नाम रखा कर और कर्ण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है, ये सब मंदिरों में लिखना चाहिए सर, नाम रखे उपवास का और कर्ण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है, क्योंकि नाम काय का रखा है उपवास का, उपवास का नाम नहीं रखा हो और फिर तुम भक्षण करो तो कोई दिक्कत नहीं है, धर्म में जितना करा होता, लेकिन तुम अपना जुलूस तो पूरा उपवास का निकलवा लो और इधर पानी वानी भी पी लो, तो जिन धर्म के अंदर तो बिना पानी का उपवास होता है, पानी पीने वाले का उपवास नहीं होता, पिसा हमसे रहा नहीं जाता तो कोई मना तो ही नहीं कर रहा है, तुमसे रहा नहीं जाता तो पियो खूब पानी पियो, लेकिन अपना जुलूस मत निकलवाओ, ये तुम जुलूस निकलवाने का मना कर रहे हो। अरे सच्चा किया हो तो ही नहीं निकलवाना चाहिए, और तुम तो झूठा करवा के जुलूस निकलवाना, समझ लो तीन उपवास अपने से नहीं बनते, कोई बात जितना किया एक किया तो एक तक भाई इस समय में संभव ही नहीं है। जो कहते दस दस उपास, एकदम दस उपास करने में वो तो ऊपर ही चले जाएगा, या तो कदाचित कर भी ले वो तो वो कर ले, लेकिन उसकी स्थिति क्या होगी दस के बाद, उसके धर्म साधन भी इतनी मतलब इतना सहनन नहीं होते, शिथिलता हुए बिना नहीं रहेगी। इसे जितना बने उतना करो, अपने कोई नाम धरे के लिए कोई काम करने कोई रिकॉर्ड से ही बनाना है, यहाँ पे आठ का था तो मैंने आठ का लास्ट रिकॉर्ड ब्रेक करके इस बार दस का रिकॉर्ड कायम कर दिया, ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक लिखा नहीं गया, हर ओलंपिक में रिकॉर्ड बनते ना, इस खिलाड़ी ने पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, जैसे मैंने पिछले सब छोड़ दिए, क्यों पिछली बार एक किया था फिर देख तीन किए थे, अब की बार तो पांच,
और अगले साल सोच रहा हूं मैं 8 का, तो फिर उसके बाद 10 का। ये कुछ नहीं है, ये सब एक्चुअली मान कषाई के साधन रहते हैं अधिकांश इसमें। जितना धर्म सदैव उतना करो, और दूसरी बात कि उपवास आदि करके भी अपना धर्म का कोई भी अंग शिथिल नहीं होना चाहिए। आप जितना सुबह से शाम तक पूरी रुचि से जैसा रोज करते हो ऐसे ही करो। यदि शिथिलता हो गई, बिस्तर में पड़ गए, लोग पूछने आ रहे हैं और ऐसे बिल्कुल जैसे ऐसे दया बरत रहे हैं उसके ऊपर, अरे भैया ऐसे तो सबका दया का पात्र बन जाए, वो करुणा का पात्र, लोग उसको देख देख के आंसू आ जाए लोगों को, क्या हो गया इसको, तो वो तो करुणा हो गई इसके ऊपर। तो शूरवीर होता है उपवास करने वाला, खैर जो भी है। तो कह रहे हैं तो उदाहरण दिया उन्होंने, उपवास का नाम रखाकर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है, और एकासन का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे तब भी धर्मात्मा है। नाम रखे एकासन, और एक समय भी कम भूख से कम खाए, एकासन के नाम को दुआसन नहीं करे, एकासन करे और भूख से कम खाए तो वो धर्मात्मा है, क्योंकि एकासन था ना, वो एकासन में पूरा पेट नहीं भरा, थोड़ा कम खाया तो भी धर्मात्मा है, और उपवास का नाम रखा है और खा ले तो पापी है, क्योंकि नाम कह कर रखा है उपवास। सवाल नाम का, क्योंकि मान कषाय ऐसी चीज है जिसके लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। अन्य मतावलंबियों के लोग ही जो है 15-15 दिन गड्ढे के अंदर घुस के चले जाते हैं, 15-15 दिन अपने आप को जमीन के अंदर रखते हैं 15-15 दिन। किस कारण से 15 दिन बाद लोग पूछने आएंगे, 15 दिन बाद भीड़ लगी रहती है, उसके बाद आग जला लेते हैं अपने आस पास। कितने कितने नाटक दिखते हैं, आप कभी जाना, मैं तो गया उस यस्त मेले में, कहा था उज्जैन में, सब तरह के नाना प्रकार के ये और सब, जैसे कोई कंपटीशन मची रहती है ना, सब दुकानदार रहते हैं कि नहीं, दुकानदार हर आदमी चाहता है कि मेरी दुकान में ज़्यादा लोग आए, जैसे फिर मेला ठेला लगता है तो हर उनकी अपनी दुकान होती है, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा करें बोले जिससे सारे लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ आए, सबको अपनी अपनी भीड़ चाहिए। तो वो कहते हैं कि इस भीड़ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, मृत्यु की कीमत पे भी यदि कोई आता हो तो उनको मंजूर है, लेकिन उसमें धर्म साधन नहीं है, क्योंकि वो एक मान कषाय की बढ़ाने का ही साधन है। उसी प्रकार उच्च पदवी का नाम रखा करे, तो उदाहरण दिया ना, क्या उदाहरण क्या दिया, जिस प्रकार उपवास का नाम रखा कर्णमात्र भी भक्षण करे तो पापी, और एकासन का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे तो भी क्या है, धर्मात्मा। सवाल खाने से नहीं है, सवाल क्रेडिट लेने से। उसी प्रकार उच्च पदवी का नाम रखाकर उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते तो महापापी है, और नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है। इसलिए धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं है, परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीच क्रिया करने से तो महापाप ही होता है। कितना ऊंची दुकान, ठीक है भगवान, नाम धरा लिया, नाम धराया, कितना एक कहावत है, नाम धरा लिया तुमने, ऊंचा नाम धरा लिया, ऊंचा नाम धरा लिया मतलब ऊंचे नाम तो है लेकिन काम की उस पर देखो तो कुछ भी नहीं। तो कह रहे हैं कि उसमें उससे कुछ भी धर्म नहीं होता, धर्म तो जितना करें उतना होता है। निचली देखो कितनी बढ़िया बात कही, धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना, कोई दोष नहीं है, धर्म साधन का दोष नहीं है, परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखा कर और नीच क्रिया करने से तो महापाप ही होता है। नीची क्रिया करें, जो उस पद के योग्य नहीं है वैसी क्रिया करें तो उसमें पाप होगा, और नीची क्रिया करके नीचे पद में रहकर और उच्च पद के योग्य क्रिया करे तो वो धर्म होगा उसको। ये अपने आत्मकल्याण के लिए देखो, धर्म को एक अकेला छोड़ देना चाहिए, मान भी अपने को चाहिए हो तो दुनियादारी में कुछ भी करो, लेकिन धर्म के क्षेत्र को बिल्कुल अलग करके, धर्म के क्षेत्र में भी अपन यही सब चीजें चाहेंगे, जुलूस फुलूस, तो फिर कौन सी जगह बचेगी ऐसी जिसमें अपन वास्तव में कुछ अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे। जुलूस निकालना तो बहुत काम होते हैं जुलूस के लिए, वो नेता लोगों के उसमें हर आदमी निकलवाता रहता, तुम बन जाओ नेता, तुम मित्र जुलूस निकलवा देना, शादी ब्याह में हर तो हर काम में तो ये चीज हो ही रही है ना। एक ऐसे एक क्षेत्र को तो छोड़ दो, अपन हर चीज में अपने को बैंड बाजा चाहिए, हर चीज में, हर चीज, चाहे कुछ मरे तो बैंड बाजा, पिता हो तो बैंड बाजा, धर्म करे तो बैंड बाजा, धर्म नहीं करे तो बैंड बाजा, तो तुम बैंड बाजे वाले बैंड बाजे हो गए और कुछ नहीं। अब देखो शर्त पाउड की थोड़ी गाथाओं का उदाहरण दिया है, मुनि पद है
वह यथाजात रूप सदृश है। यथाजात रूप का क्या अर्थ होता है? यथाजात, जात माने पैदा हुआ, तो जैसे जैसा पैदा होता है बालक, उस पैदा होते हुए बालक के समान है। सदृश माने समान, पैदा होते हुए बालक के समान मुनि वेश है, मुनि पद है। जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है, सो वह मुनि अर्थ, अर्थ माने धन वस्त्रादिक वस्तुएं, उनमें तिल के तुष्मात्र भी ग्रहण नहीं करते। तिल के तुष्मात्र माने तिल्ली, तिल्ली होती है जरा सी, तुष माने, तुष माने छिलका, भूसा, भूसा होता ना, मतलब जैसे कुछ नहीं होता, तुस होता है, तुस चावल का तुस है, छिलका जो भी होता है भूसा वगैरह, तो तिल्ली के बराबर जितना भूसा भी नहीं रख सकते। क्या? तिल्ली जितना भूसा भी अपने पास में नहीं रख सकते। तिल के तुष्मात्र भी ग्रहण नहीं करता, यदि कदाचित अल्प व बहुत ग्रहण करे तो उससे निगोद जाता है। देखो मैं गाथा पढ़ता हूं, जाय रूप सरिसो, जाओ माने यथाचात रूप सरिसो माना यथाजात रूप के सदृश है, और तिल तुष मेतम न गेदी हत्ते सु, हाथों से तिल तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करता। जय ले अप बहुयम, यदि वो थोड़ा बहुत लेता है तत्तो तो फिर पुण जाय निगोदम, पुनः कहा जाता है वो निगोद में जाता है। निगोद पढ़ा ना अपन ने, आप सबने, कहा जाता है सबसे खतरनाक अवस्था है, बिल्कुल भी परिग्रह न रखे स्वर्ग, तो इतना सा भी रख ले निगोद है उसका। सो यहां देखो, गृहस्थ पने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है, और मुनि पने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। इसलिए ऊंचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। इसके बाद में सब दिया है, देखो देखो हुंडाव सर्पणी काल में कली काल वर्त रहा है, पांचवा काल चल रहा है, इसके दोष से जिनमत में मुनि का स्वरूप तो ऐसा है जहां भाई अभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है, केवल अपने आत्मा का आप रूप अनुभव करते हुए सुभाषुभ भावों से उदासीन रहते हैं। क्या कहा? दो बातें कही, भाई और अभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं। भाई परिग्रह कितने हैं? 12 भाई। कितने हैं? 12 है, 10 है, 10 दो गुण से बढ़ा दिया, 10 के 12 कैसे होते हैं? 10 ही है भाई परिग्रह का, 14 अंतरंग है, बहिरंग परिग्रह 10 ही है, तो बहिरंग 10 परिग्रह और अंतरंग 14 परिग्रह, उनका लगाव नहीं है। अपने आत्मा का आप रूप अनुभव करते हुए, मैंने अपने आत्मा का आप रूप मैंने आत्मा में अपनापन अनुभव करते हुए सुभाषुभ भावों से उदासीन रहते हैं। और अब ये तो उन्होंने कहा, ये तो वास्तविक स्वरूप है, जिन मत में मुनि का स्वरूप तो ऐसा कैसा है? भाई अभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है, आत्मा का आप रूप अनुभव करते हुए सुभाषुभ भाव से उदासीन रहते हैं। और अब क्या स्थिति है? और अब विषय कषाय आशक्त जीव मुनि पद धारण करते हैं, वहां सर्व सावध के त्यागी होकर पंच महाव्रत आदि अंगीकार करते हैं, श्वेत रक्त आदि वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, भोजन आदि में लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ाने के उद्यमी होते हैं, और कितने ही धनाधिक भी रखते हैं, हिंसा अधिक करते हैं, वह नाना आरंभ करते हैं, परंतु अल्प परिग्रह ग्रहण करने का फल निगोद कहा है, तब ऐसे पापों का फल तो अनंत संसार हो गई हो। लोगों की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत सम्मान आदि करते हैं, जो शास्त्र में कृतकारित अनुमोदना का फल कहा है, इसलिए उनको भी वैसी फल लगता है। यानी जिसने प्रतिज्ञा भंग की उसको तो लगेगा ही, उसकी जो अनुमोदना करता है उसको भी वैसी फल लगता है। अब ये मुनिपद लेने का क्रम दिया है इन्होंने, मुनिपद लेने का क्रम तो यह है, पहले तत्व ज्ञान होता है सबसे पहले,
पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, परिश्रम आदि सहने की शक्ति होती है, तब वह स्वयं मुनि होना चाहता है और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। एक एक बात कितनी जोरदार लिखी है। सबसे पहले क्या होता है? तत्व ज्ञान, सुपर का भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान, और फिर पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, संसार शरीर भोगों से उदासीन विरक्त, और परिश्रम सहने की शक्ति होती है, शीत उष्ण भूख प्यास सहने की शक्ति हो, और तब वह स्वयं मुनि होना चाहता, वो अपनी मुनि बनने की भावना वो व्यक्त करता, जबरदस्ती नहीं होती उस पर कि तेरे को बनना है करना है, कुछ नहीं, वो स्वयं ही मुनि होना चाहता, और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। यह कैसी विपरीतता है कि तत्व ज्ञान रहित, तत्व ज्ञान का तत्व ज्ञान नहीं है, और विषय कषाय आसक्त जीवों को माया से व लोभ दिखाकर मुनिपद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सोए बड़ा अन्याय है। इस प्रकार गुरु का व उनके सेवन का निषेध किया। अब इस कथन को दृढ़ करने के लिए शास्त्रों की साक्षी देते हैं। वह उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में ऐसा कहा है, काल दोष से गुरु जो है वे तो भाट में भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं, सो इस दुष्म काल में दोनों ही दातार व पात्र संसार में डूबते हैं। भाट होता है ना, भाट, भाट का क्या काम होता है? प्रशंसा करना, तो दातार की प्रशंसा करते हैं, दाता दान देता है, मतलब उनका काम, मतलब ये तो एक उन्होंने सामान्य बात की, मैंने धनवान की तारीफ करे और वो धनवान धन देवे, तो कह रहे हैं कि ये तो भाट लोगों का काम होता था पहले, कि वो राजा के पास जाते थे, उसकी खूब चापलूसी करते थे, तो राजा उनको कुछ देता था, तो तुम उनकी तारीफ करो कि तुम्हारी तारीफ करो, है बताओ कौन किसका सम्मान करे? असंयमी का सम्मान हो कि संयमी, संयम का सम्मान हो? असंयमी संयमी असंयमी का सम्मान करने लग जाए तो संयम की महानता कहां रही? यदि महानता है संसार में तो संयम की है, त्याग की है, तपस्या की है, और सम्मान हो के योग्य यदि कोई चीज है तो वो त्याग तपस्या है, लेकिन वो सब एक दूसरे सेटिंग रहते हैं, जैसे मैं उसकी तारीफ करूं फिर वो मेरा ध्यान रखे, मैं उसका ध्यान रखू, वो दान देना, वो दान लेने से अपने जरूरत ही क्या है दान की, सबसे पहली बात अपने क्या जरूरत दान, किससे धन चाहिए, धन का जब त्याग ही कर दिया संपूर्ण बने, तो अब दान किस किसकी अपेक्षा रखना, किस धनवान की अपेक्षा रखना, वो आए तो बैठ जाए वहां पे, पीछे जाए बैठना उसे, उसकी जरूरत क्या हमको, हमें जरूरत है तो संयमी की संगति करें, संयम का पालन हो, लेकिन धनवानों से क्या प्रयोजन कि हम धनवान को आगे बढ़ाएं, धनवान को आगे बिठाएं, उसका दो बार नाम लेवे, उसके उसको सम्मान कराएं, सब काम छोड़ के इसका पहले सम्मान होना चाहिए। अरे कोई सम्मान की, जब भगवान जहाँ बैठे होते हैं साक्षात, और जहाँ साक्षात निराल विद्यमान है, वहाँ उससे बढ़ के सम्मान और किसका है? त्याग तपस्या सबसे बड़ा सम्मान योग्य है, वहाँ किसका असंयमी का सम्मान करेंगे? चलता आजकल हर चीज में सम्मान, सम्मान पहले हो नहीं हो तो लोग काम नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये दुष्म काल है, और देखो आगे क्या कहा है, ये सब ग्रंथ के हवाले यही है, ये ग्रंथ है, ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला उसके हवाले है, और ये गाथा है मूल ऐसी की ऐसी, आप कहो तो मैं ऊपर से गाथा सीधा अर्थात तो पढ़ लेता हूं मैं तो। सर्प को देखकर कोई भागे उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते, हाय हाय देखो तो जो कुगुरू सर्प को छोड़ते हैं उसे मूल लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं। सर्प द्वारा तो एक बार मरण होता है और कुगुरू अनंत मरण देता है, अनंत बार जन्म मरण कराता है, इसलिए हे भद्र सर्प का ग्रहण तो भला और कुगुरु का सेवन भला नहीं है। और ये संघपट की गाथा है, संघपट माने श्वेतांबर साहित्य की गाथा है। देखो क्षुदा से कमजोर किसी रंक का बालक, रंक माने गरीब का दुश्मनी गरीब, क्षुदा से कृष्ण किसी रंक का बालक कहीं चैत्यालय आदि में दीक्षा धारण करके पाप रहित न होता हुआ किसी पक्ष द्वारा आचार्य पद को प्राप्त हुआ, वह चैत्यालय में अपने ग्रह समान प्रवर्तता है, निज गच्छ में कुटुंबवत प्रवर्तता है, अपने को इंद्रवत महान मानता है, ज्ञानियों को बालकवत अज्ञानी मानता है, सब गृहस्थों को रंकवत मानता है, सो ये बड़ा आश्चर्य हुआ है।
जिनसे जन्म नहीं हुआ है, बड़ा नहीं है, मोल नहीं लिया है, देनदार नहीं हुआ है, क्या जिनसे जन्म नहीं हुआ अपना, जिन्होंने अपने को बढ़ाया नहीं, जिनसे अपन ने जो कोई मोल नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, देनदारी नहीं है, इत्यादि किसी प्रकार कोई संबंध नहीं है, और गृहस्थों को वृषभ हाँकते हैं, जबरदस्ती दान आदि लेते हैं, सो हाय हाय, ये जगत राजा से रहित है, कोई न्याय पूछने वाला नहीं है। सर पैसे वालों की लाइन लग जाती है, भैया तेरे कितना है निकाल कर, कितना है तू निकाल कर, तो कह रहे तो जबरदस्ती दान लेना हुआ ना, और तुम्हारा क्या, तुम कौन से देनदार हो गए, मैंने गृहस्थों को बेल वत हाका, तो गृहस्थ तुम्हारा कोई पुराना कर्जा है, उन्होंने आपको मतलब उनसे कोई देनदारी है कि वो बेचारे देवे, उन्होंने अपने को बड़ा किया हो, हैं, उनसे अपना जन्म हुआ हो, तो अपना उनके प्रति कोई कर्तव्य है, या उनसे अपन कुछ ले सकते हैं, जिसका अपन ने उपकार किया हो, कहने का मतलब है कि हमने किसी का उपकार किया हो तो उससे हम उपकार की आशा कर सकते हैं, लेकिन जिससे जिसने हमारा जिसका हमने कुछ उपकार किया ही नहीं है, उसको बेल की तरह हाँकना और उससे जबरदस्ती धन आदि लेना, ये कहाँ तक का न्याय है। तो कह रहे हाय हाय, ये जगत राजा से रहित है, कोई न्याय पूछने वाला नहीं। यहाँ कोई कहता है कि ये तो श्वेतांबर विरचित उपदेश है, उसकी साक्षी किसने दी, क्योंकि संघपट की गाथा है। तो उन्होंने कहा जैसे नीचा पुरुष जिसका निषेध करे उसका उत्तम पुरुष के तो सहज ही निषेध हुआ, उस प्रकार जिनके वस्त्रादि उपकरण कहे वे जिसका निषेध करे तब दिगंबर धर्म में तो ऐसी विपरीतता का सहज ही निषेध हुआ, तथा दिगंबर ग्रंथों में भी श्रद्धा के पोषक वचन है। इसके बाद में सब वचन है, ये सब सारे पढ़ना हो आप लोग, ये ग्रंथ ले जाके, अभी अपना समय हो गया है। देखो इसमें है ना, यहां दिया देखो पेज नंबर 182 पे दूसरा पैराग्राफ देखो आप, मिला मिला क्या पेज नंबर 182 पे दूसरा सूत्र पावन की गाथा 19, जिस लिंग के थोड़ा व बहुत परिग्रह का अंगीकार हो वह जिन वचन में निंदा योग्य है, परिग्रह रहित ही अंगार होता है। सीधा सीधा मतलब कॉन्सेप्ट है, जो परिग्रह रहित ही अंगार होता है, अंगार बने मुनि, मुनि के परिग्रह नहीं होता। और आगे देखो इसके बाद पेज नंबर इसी 192 में नीचे नीचे मुनि मिला 197 जो आत्मानुशासन की जो गाथा है उसके ऊपर जस्ट ऊपर मोक्ष पावर की 79 गाथा के नीचे पेज नंबर 180 के जस्ट 180 जहां खत्म हो रहा है जस्ट 180 में लास्ट पैराग्राफ मिला नहीं मिला 180 का लास्ट पैराग्राफ कुंद कुंदाचार्य ग्रंथ लिंग पाहुड़ है उसमें मिल गया कि नहीं मिला आपके इसमें क्या है 182 पे गया मेरे को एक जिनवाणी करना है क्योंकि इसमें क्या पेज नंबर अलग है हाँ 182 पे 182 पेज दो पेज आपके आगे चल रहे 182 पे नीचे नीचे का पैराग्राफ तथा कुंद कुंदाचार्य कृत लिंग पावड़ है उसमें मुनि लिंग धारण करके जो हिंसा आलंब यंत्र मंत्र आदि करते हैं उनका बहुत निषेध किया है किसमें लिंग पावड़ कल अपने बात की ना यंत्र मंत्र तंत्र ज्योतिष वैद्यक वैद्यक माने किसी का इलाज करना इन सब का बहुत निषेध किया क्योंकि ये सब शावकों के गृहस्थों के काम और क्या कहा देखो कली काल में तपस्वी पेज नंबर 183 पे ऊपर ही ऊपर कली काल में तपस्वी मृग की भांति मृग माने हिरण की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं यह महाखेतकारी कार्य है या नगर के समीप ही रहने का निषेध किया सो नगर में रहना तो निषिद्ध हुआ ही अब नगर में तो क्या कोई जंगल में तो कोई रहने को समर्थ नहीं इस काल में लेकिन कम से कम इतना है कि वो जंगल के समीप जो भी गांव हैं छोटे छोटे गांव हैं मैंने जहाँ आत्माराधना आराम से हो सके और अपने जितने भी नियम हैं वो सारे पूर्ण हो सके कुआ मिल सके पानी मिल सके
सारी चीजें जो भी है भोजन की शुद्धता पल सके और अपनी आत्म आराधना हो सके। क्योंकि जितना बड़ा शहर होगा उतने बड़े शहर में धर्म साधन बड़ा मुश्किल होगा। और फिर वो तो सब तो जंगल में एकदम एकांत में रहकर अपने आत्मा का कल्याण करने वाले मुनिराज। जो गृहस्थी है ना, गृहस्थी, गृहस्थी से बड़ा खतरनाक जानवर कोई नहीं, सही कह रहा हूं, आदमी से बड़ा खतरनाक जानवर कोई नहीं। क्योंकि क्या है, जैसे जानवर होएगा तो अब समझ लो अपन ध्यान करने बैठे तो जानवर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मच्छर होएगा, मच्छर काटेगा, इधर डंक मारेगा, इधर करेगा, तो उसको सहन कर सकते हो आप। लेकिन आदमी होता है ना, तो आदमी क्या करता है, शरीर नहीं खाता है, आदमी माथा खा जाता है। और वो माथा खा गया मतलब कि भयंकर खा गया, मतलब वो उस समय ध्यान में ही बैठे रहेंगे तो चीज चलती रहती, मच्छर ने तो काट लिया, दो मिनट बाद उसका असर खत्म। लेकिन आदमी कुछ बात कह दे, आपके निमित्त से यहाँ पे यदि कुछ हो जाए, तीर्थ का उद्धार हो जाए, चंदा हो जाए, हमारी पंचायत के झगड़े निपट जाए, हमारे मंदिर का झगड़ा निपट जाए, खुद तो झंडे झगड़े टंटे फंसे हुए ही है, वो उनको भी अपने झगड़े में फंसाए बिना नहीं रहते। इससे खतरनाक आदमी कोई नहीं है संसार में। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे लिए जंगल भला, क्योंकि जंगल में कम से कम आदमी जानवर होंगे तो थोड़ा बहुत शरीर ही खाएंगे, शरीर से तो हमारा वैसे ही ममत्व खत्म हो गया, लेकिन ये हमारे उपयोग को खा जाते हैं यहाँ दिन भर, हमारे को अपनी कुछ ना कुछ रामायण गाते रहेंगे, ये है न ये है न वो, हमारा उपयोग जो है वो उपयोग ही उसमें चला जाएगा तो हमारी सारी जो असली पूंजी है वो खत्म हो गई। शरीर नष्ट होने में कोई पूंजी नष्ट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि शरीर में राग नहीं, लेकिन उपयोग नष्ट होता है तो सबसे बड़ा नुकसान। क्यों नुकसान है, क्योंकि उपयोग की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है, शरीर की बर्बादी कोई बर्बादी नहीं है। अपना उपयोग ये समय भी विषय कषाय में गया, किसी के प्रपंच में गया, जबरदस्ती के झंझट पंडट में गया, अपना दिमाग खत्म हो गया, अपने दिमाग को खा लिया समझ में, और अपना दिमाग खाली रहा, अपना आत्म कल्याण चलता रहा तो कोई डर नहीं है, कोई शेर खाए चाहे शियार खाए। इसलिए ये गृहस्थी शेर और शियार से भी खतरनाक है। ठीक है, ये पढ़ना इसके बाद में आप, और जो भी है इसके अंदर ये सारी चीजें दी है इसके अंदर, शिथिलाचार की पोषक अगली बार सब पढ़ के आना इसके अंदर से। तो अपन अगली बार जो है दो चीजें चलाना अपने को, कुदेव का और कुगुरु का वर्णन, तो अपन अगली बार करें। मैंने कहा इसमें से थोड़ा सा आप पढ़ के दिखाएं, फिर इसमें विस्तार से वर्णन है। अब ये खास तो नोट्स बांटने हैं तो एक रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के नोट्स जिन जिनको भी नहीं मिले हैं वो नोट्स ले लें।